हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर आपके पास लेने के लेकर के आए हैं। देखिए बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस चार तरह के होते हैं, मोलिकुलर आणविक सॉलिड, धात्विक मेटालिक सॉलिड, आयनिक आयनिक सॉलिड, कोवलेंट ससंयोजक सॉलिड। आज हम लोग फिर आपके पास एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक होगा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, आप लोग बोल सकते हैं इसको द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक, और एकक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे, यानी यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, या इसके बाद बात करेंगे हम लोग द्विक स्थान जालक या एकक कोष्ठिका। देख बाबू, अब हम लोग चला जाए आगे। हम लोग क्या जानते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, ये स्पेस क्रिस्टल लैटिस और एकक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे। आपको क्या जानते हैं कि ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। एटम भी, मॉलिक्यूल भी, या आयन भी हो सकता है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है। अब इन एटम, मॉलिक्यूल, आयन यानी परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। क्या इन लोग का, देखिए, एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था है, डिफिनिट रिपीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं? इसी जो अरेंजमेंट है, ये जो एटम का, पार्टिकल का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, घटक पार्टिकल का ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बात करेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। समझा? इसी को बात करेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। इसको आप देखो, ये जो एटम है ना, ये मॉलिक्यूल है या आयन है, परमाणु है, अणु है या आयन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको एक एटम के रूप में, एक पॉइंट के रूप में हम लोग दिखलाते हैं। देखिए ये बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, देखिए बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। अब इसको हम लोग दूर दूर देखा जाए, देखिए एटम का बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। अब ये बताइए, क्या आपको क्या दिखा इसमें? यहां पर जो ये दिख रहा है, ये घटक कण है। क्या है? घटक कण है। क्या ये घटक कण का जो अरेंजमेंट है, वन डायरेक्शन में है, टू डायरेक्शन में है, कि थ्री डायरेक्शन में है? आप बोलोगे, आप घटक कण का डायरेक्शन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट वन डायरेक्शन में है, टू डायरेक्शन में है, या थ्री डायमेंशन में है? तो आप देखो, यहाँ पे वन डायरेक्शन में नहीं है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, दाहिने भी जा रहा है, यानी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही आप बोलते हो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, यानी कि त्रिविमीय जो व्यवस्था है। किसका त्रिविमीय व्यवस्था है? किसका त्रिविमीय व्यवस्था है बाबू? तो घटक कण का। किसका? तो घटक कण का ये त्रिविमीय व्यवस्था है ना। इस त्रिविमीय व्यवस्था को आप क्या बोलते हो, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस? किसको बोलते हो आप, जल्दी बताओ, किसको बोलते हो आप, किसका अरेंजमेंट को? तो ये पार्टिकल का, कण का, घटक कण का, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट है, जल्दी बता, कैसे अरेंजमेंट है, जल्दी बोलो बाबू।
त्रिविमीय व्यवस्था है। इस त्रिविमीय व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। फिर से बोले, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या है? फिर से बोलेंगे, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, इसी को बोलते हैं द्विक स्थान जालक या बोलते क्रिस्टल जालक। क्या है ये? एटम का, घटक कण का ये त्रिविमीय व्यवस्था। देखिए, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, कि त्रिविमीय व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ। इसी त्रिविमीय व्यवस्था को आप लोग बोलते हो क्या चीज, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। घटक कणों का नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को स्पेस लैट, द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखना बाबू, यहाँ पे आप देखो वीडियो को, देखो ध्यान ध्यान से देखो वीडियो को, देखो यहाँ पे कैसे, देखो ये क्या है कि त्रिविमीय व्यवस्था है। अब देखो यहाँ पे स्पेस लैटिस टोटल, एक हम बाद में बात करेंगे कि स्पेस लैटिस जो है टोटल 14 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्पेस लैटिस यानी द्विक स्थान जालक की संख्या होता है 7, 14, 21, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानोगे? 14 मानोगे। कितना बोलोगे बाबू? 14। स्पेस लैटिस या द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक, बोले क्रिस्टल जालक की संख्या किसका कितने होते हैं, तो बोलेंगे 14। क्रिस्टल जालक की संख्या कितने होते हैं बाबू? तो 14। ये इन्हें ब्रेवे जालक भी बोलते हैं, ब्रेवे जालक या ब्रेवे लैटिस भी बोलते हैं। ये एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे पढ़ा गया है ब्रेवे लैटिस, ब्रेवे लैटिस या ब्रेवे जालक। ये आपको याद रखना है, इसकी संख्या कितनी है? तो 14 है। इसकी कितनी संख्या है? तो 14 है। आपको दिमाग बैठाना है कि ब्रेवे जालक या द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल लैटिस, इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे, इसकी संख्या कितना होगा? तो 14 होगा। आप याद रखेंगे बाबू। अब देखो, आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब देखोगे कि ये स्पेस लैटिस जो बना है, यानी कि घटक कणों का जो अरेंजमेंट हुआ है, देखेंगे आप ढंग से। देखिए स्पेस लैटिस का जो, देखिए त्रिविमीय व्यवस्था हुआ, देखेंगे आप, देखिए घूम घूम के दिख रहा है ये जो, इस जो स्पेस लैटिस का ये जो बिंदु दिख रहा है, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, जालक बिंदु भी बोलते हैं, यानी कि आया स्पेस लैटिस साइट भी बोल देते हैं, जालक स्थल। आप याद रखें ये जालक स्थल भी है, या तो फिर इसको, इसको जालक स्थल भी है, या इसको लैटिस, लैटिस पॉइंट भी बोलेंगे, या जालक लैटिस साइट भी बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लैटिस पॉइंट या जालक साइट, लैटिस साइट। क्लियर है? अब देखिए ये क्या निरूपित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एटम भी हो सकता है, ये देखिए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये आयन भी हो सकता है। इसको दिमाग में बैठा है, ये मॉलिक्यूल भी होगा, आयन भी होगा, और यानी अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। इसको ध्यान रहे, इन अणु परमाणु या आयन का त्रिविमीय व्यवस्था है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या आपको दिख रहा है कि ये जो द्विक स्थान जालक जो बना है, द्विक स्थान जालक जो बना है, क्या है ये द्विक स्थान जालक? इसमें देखिए एक ऐसा इकाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यूनिट दिख रहा है ना? देखिए इस यूनिट का बार बार देखिए, इधर भी सेम है, 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 इधर इधर भी सेम है, देखिए सब सेम है, नीचे भी देखिए सेम है, ऐसे ऐसे सेम, यानी कि एक यूनिट है, ये सबसे छोटा यूनिट है जिसका बार बार रिपीटेशन हुआ है, जिसका बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, एक छोटी इकाई है जिसका बार बार क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार रिपीटेशन हुआ है, और बार बार रिपीटेशन होने से एक पूरा द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हुआ है, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हुआ है, या इसको द्विक स्थान जालक हिंदी में बोलेंगे, या क्रिस्टल जालक भी बोलेंगे। लेकिन इस क्रिस्टल जालक बनाने में इस छोटी इकाई का सबसे बड़ा भूमिका है, इस छोटी इकाई का बार 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 पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। ये जो छोटी इकाई है इसका क्या क्या हुआ है जल्दी बता दो बाबू? बार बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार पुनरावृत्ति हुआ है,
बार बार क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है। इसी पुनरावृत्ति को, ये जो सबसे छोटी इकाई है, इस इकाई को, जो सबसे छोटी इकाई है इस इकाई को यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या है, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या है। तो हम बोलेंगे द्विक स्थान की, ये द्विक स्थान या द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई परंतु पूर्ण इकाई। ये द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई परंतु पूर्ण इकाई, परंतु पूर्ण इकाई जिसका बार बार पुनरावृत्ति करके, जिसका बार बार पुनरावृत्ति करके, बार बार पुनरावृत्ति करके दिए गए पदार्थ का जालक का निर्माण होता है, तो उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी एकक कोष्ठिका क्या है, यानी कि ए स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गिव क्रिस्टल ऑफ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड यूनिट सेल। नहीं समझ में आया, ये सबसे छोटा है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। और एक क्रिस्टल का, क्रिस्टल का, एक क्रिस्टल का दिए गए पदार्थ का, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, निर्माण हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस लैटिस। देखिए थोड़ा सा इसको अब देखने की कोशिश कीजिए। देखिए तो देखिए ये स्पेस लैटिस है, देखिए बार बार देखिए रिपीटेशन हो रहा है, देखिए बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ये देखिए पूरा बार बार देखिए, इधर भी होगा नीचे भी होगा, बार बार पूरा बन गया कि नहीं बन गया। देखिए जो सबसे छोटी इकाई है इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सेल को यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका बोलेंगे। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका को देखो निकालें, स्पेस लैटिस का ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा यूनिट सेल को देखिए, ये है यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है कैरेक्टराइज होगा, इसका अपना गुण होता है, ये इसका एज लेंथ से ए बी सी, ये एक्स एक्सिस में सी, जेड एक्सिस में ए, वाई एक्सिस में बी, यानी कि जो एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे जो इसका एज लेंथ है, कोर की लंबाई है, उसको इसके द्वारा एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है। ये देखिए ये है एज लेंथ, ये देखिए ये क्या है, एज लेंथ है। आप इसको देखिए, ये एक सेल है, ये सेल है। अब इस सेल है एक कोष्ठिका है, अब इसका हम रिपीटेशन करते हैं, अब इसका बार बार पुनरावृत्ति करें, एक पदार्थ बनेगा, एक सब्सटेंस बनेगा। अब इसमें देखिए यहाँ से अगर बिंदु कोई है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, तो ये किनारा को ए मान लिए, इस किनारा को बी मान लिए और इस किनारा को सी मान लिए, ए बी सी। देखिए ये ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, यहाँ लंबवत है। देखिए यहाँ पे लंबवत नहीं है, यहाँ पे भी लंबवत है, लेकिन देखिए क्या है लंबवत, देखिए कैसे, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ये तो लंबवत है, ये लंबवत है, लेकिन देखिए ये लंबवत थोड़ी है, यानी कि ये लंबवत भी हो सकता है और लंबवत नहीं भी हो सकता है। देखिए ये देखिए ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, देखिए ये टेढ़ा है ऐसे, ये लंबवत नहीं ना है, ये ऐसे रहता तो लंबवत होता, दोनों में देखिए कैसा समझना है। देखिए आप तो क्या होता है कि ए बी सी जो है ये लंबवत हो भी सकता है और लंबवत नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं लंबवत भी हो जाएगा और कहीं कहीं लंबवत नहीं होगा। अब देखिए दूसरा चीज है क्या कि इन इन कोर की लंबाई के बीच में, एज लेंथ के बीच में जो एंगल भी हो सकता है, तो बी और सी के बीच का एंगल को अल्फा बोलेंगे, सी और ए के बीच का एंगल को बीटा बोलेंगे और ए और बी के बीच का एंगल को गामा बोलेंगे। इसका मतलब एक यूनिट सेल का चार पैरामीटर होंगे, छह पैरामीटर होंगे, कौन कौन, कोर की लंबाई, एज लेंथ ए बी सी और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण अल्फा बीटा एंड गामा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका को अभिलक्षण करने के लिए कितने इकाई चाहिए, तो बोलेंगे छः, यानी कैरेक्टराइज करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, तो बोलेंगे छः। कौन कौन सा, तो उसके यूनिट सेल की कोर की लंबाई, एज लेंथ,
एज लेंथ ए बी सी और उस एज के बीच यानी कोर के बीच का एंगल कोण अल्फा बीटा एंड गामा, यानी ए बी सी तीन, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि हमारे पास आप बताओ कि कितना एक यूनिट सेल का करेक्टराइज करने के लिए कितने पैरामीटर हैं। तो बोलेंगे छः। कौन कौन सा? इन एज की यानी कोर की लंबाई, एज लेंथ ए बी और सी, और इन एज के बीच का कोण अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो एज लेंथ जो है ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझें आप इसको, ठीक है? यानी कि कितना पैरामीटर है बाबू, कितना पैरामीटर है बाबू? छह पैरामीटर है। कौन कौन सा? एज लेंथ ए बी और सी, और एज लेंथ ए बी और सी, और एज के बीच का एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि अब हम लोग बात करें कि आप हम लोग बात करें देखिए बात करें कि हमारे पास कितने पैरामीटर हैं बाबू। तो बोलेंगे छह पैरामीटर हैं। कौन कौन सा है? ये तो एक है अल्फा बीटा और गामा, और दूसरा क्या है? दूसरा उस एज लेंथ यानी कि कोर के बीच का कोण, सॉरी कोर की लंबाई ए बी सी और उनके बीच का कोण अल्फा बीटा गामा। छह पैरामीटर। अब इन छह पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल को छह सिस्टम यानी तंत्र में बांटा गया है। किसके आधार पे? एज लेंथ कोर की लंबाई और उनके बीच का एंगल कोण के आधार पे क्रिस्टल को कितने सिस्टम में बांटा गया है? तो सेवन। कितने सिस्टम में बांटा गया है? तो सेवन सिस्टम में बांटा गया है। नहीं तो कौन कौन सा? तो बाबू रे, इसके लिए कौन कौन सा सिस्टम में बांटा गया है? तो पहला घनीय या क्यूबिक, पहला कौन सा है? क्यूबिक या घनीय। देखिए बाबू, ये क्यूब है। क्यूब क्यों है? इसको क्यूब क्यों बोले? कि क्यों इसलिए बोले कि अगर इस एंगल को ले तो देखिए ये ए, ए बी और ये सी, ए बी और सी तीनों बराबर है। तीनों कैसा है? बराबर है। तीनों बराबर है यानी एज लेंथ आपका बराबर होगा, और एज लेंथ के बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा ये भी सब बराबर होगा। और ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी सारा परपेंडिकुलर होगा। तो जब ऐसे को बोलते हैं बाबू क्यूबिक। याद रखें ये क्यूबिक कौन, क्यूबिक का क्या होगा बाबू? क्यूबिक क्या होगा जल्दी बताओ, आप लोग बोलो क्यूबिक किससे कहेंगे? तो क्यूबिक तब कहेंगे बाबू, यानी घनीय कब बोलेंगे? जब ए बी सी बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा, और ये 90 डिग्री का होगा। अगला है टेट्रागोनल। देखिए बाबू, ये है आपका टेट्रागोनल। देखो ये टेट्रागोनल। सर ये टेट्रागोनल कैसे? अब इस एंगल को लेकर के चले। देखिए ए और बी आपस में बराबर है। देखिए ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन देखिए तीसरा लंबाई क्या है? लंबा है या नहीं है? अगर ए और बी बराबर है तो सी बराबर नहीं है। लेकिन सारा एंगल कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का। यानी कि आप बता दें टेट्रागोनल में क्या होगा? ए बी के बराबर होगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। लेकिन सारा एंगल कितना डिग्री का होगा? अल्फा बीटा एंड गामा। इसका हिंदी होता है सम द्वि लंबाक्ष। बाबू क्या बोले जल्दी बताओ? घनीय में क्या होता है जल्दी बताओ? घनीय में क्या होता है? घनीय या क्यूबिक में क्या होता है बाबू? घनीय या क्यूबिक में क्या होता है? ए बी सी बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा? बराबर होगा। ये सारा 90 डिग्री का होगा। टेट्रागोनल में क्या होता है यानी सम द्वि लंबाक्ष में क्या होगा? सम द्वि लंबाक्ष का मतलब दो गो लंबाई बराबर है। सम द्वि लंबाक्ष यानी दो गो लंबाई बराबर है। तो कौन दो लंबाई बराबर है? तो एक बराबर है, ए और बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। लेकिन अल्फा बीटा गामा कितना होगा बाबू? अल्फा बीटा और गामा सब कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक को आप विषम लंबाक्ष भी कहते हैं।
ऑर्थोरम्बिक क्या कहते हैं, विषम लंबाक्ष। याद रखना है बाबू आप लोग को दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, जो हिंदी मीडियम में है, जो हिंदी मीडियम में है उनको इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला दोनों नाम याद रखने की जरूरत है। कभी हिंदी में ही ऑर्थोरम्बिक लिख देगा, हिंदी में ही ऑर्थोरम्बिक लिख देगा, आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। विषम लंबाक्ष नहीं लिखेगा, क्वेश्चन बनाएगा तो ऑर्थोरम्बिक करके दे देगा, तब क्या करेंगे, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोरम्बिक है, और ये एक ऑप्शन ए में दे देगा इसको, ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में दे देगा इसको, और ऑप्शन सी में इसको दे देगा, और डी में कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से कौन ऑर्थोरम्बिक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन ऑर्थोरम्बिक है, या विषम लंबाक्ष करके चांस हमको लगता है कम होगा, ये इंग्लिश वाला नाम देगा, इसलिए ध्यान रखें बेटा दोनों नाम। ये देखिए माचिस का जो डिबिया है ये ऑर्थोरम्बिक का उदाहरण होता है। देखिए माचिस का डिबिया में आप ये देख के चलो, ये वाला माचिस का डिब्बा, अगर ये कोण लेकर के ये एंगल लेके चलते, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों अलग अलग है, और देखिए ये एंगल बहुत ज़्यादा लंबा है, यानी ए और बी अलग अलग है, और सी भी क्या है बहुत ज़्यादा है, यानी ए बी सी तीनों डिफरेंट है, ए बी सी तीनों डिफरेंट है, लेकिन सभी कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे ए बी सी बराबर नहीं है, ए बी सी बराबर नहीं है, लेकिन अर्थ लेकिन अल्फा बीटा और गामा सब कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम लोग तो समझ गए होंगे ये तीन कौन कौन सा है, एक एक बोले घनीय क्यूबिक, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल करके बेटा दे देता है क्वेश्चन में, टेट्रागोनल क्या है, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा टेट्रागोनल को, समद्विबाह लंबाक्ष नाम दोनों याद रखना पड़ेगा इसका। टेट्रागोनल भी दो गो लंबाई बराबर होगा, ए और बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री का। उसी तरह से ऑर्थोरम्बिक में ए और बी और सी तीनों बराबर नहीं होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आगे हम लोग बात करें, ये देखिए ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रोम्बोहेड्रल, देखिए ये रोम्बोहेड्रल जो है यहाँ पे क्या होगा, रोम्बोहेड्रल में इसका नाम होता है रोम्बोहेड्रल का हिंदी त्रिसमंताक्ष, क्या हिंदी होता है त्रिसमंताक्ष, क्या होता है बाबू त्रिसमंताक्ष। तो त्रिसमंताक्ष में ए बी और सी तो बराबर होता है, ए बी सी क्या होता है बराबर होता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री नहीं होता है, याद रखेंगे कि क्या होता है बाबू रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, त्रिसमंताक्ष में क्या होता है, अल्फा बीटा ए बी सी बराबर होगा लेकिन अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। अगला है हेक्सागोनल, देखिए ये वाला फिगर वास्तव में ये वाला फिगर यहाँ जाना चाहिए था और ये वाला फिगर यहाँ आना चाहिए था, फिगर बदल गया है, गलती से बदल गया है। ये देखिए ये है हेक्सागोनल या षष्ठकोणीय, ये है हेक्सागोनल, देखिए ऐसा ही ऐसा संरचना है आपके पास, देखिए छः गो कोण है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, षष्ठकोणीय है तो हेक्सागोनल का संरचना ये होगा। देखिए षष्ठकोणीय में क्या है, ऐसा संरचना में ए और बी बराबर है, ए और बी देखिए बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, ए और बी कितना है बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, ए और बी क्या है बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है बाबू। लेकिन यहाँ पे ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है अल्फा
ये देखिए ऐसे जाके ऐसे गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा कितना डिग्री का है बाबू, 120 डिग्री का। उसी तरह से एक है मोनोक्लिनिक, इसका हिंदी होता है एकांताक्ष, इसका दोनों नाम याद रखेंगे बाबू, एकांताक्ष भी और मोनोक्लिनिक भी। तो मोनोक्लिनिक में देखेंगे आप, देखिए ये है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि इसमें ध्यान रहे अल्फा बीटा और गामा बराबर नहीं होगा। कौन कौन बराबर नहीं होगा, तो अल्फा बीटा और गामा, सॉरी ए बी सी बराबर नहीं होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा और बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। याद रखेंगे क्या है, अल्फा और गामा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। याद रखेंगे, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा रोम्बोहेड्रल में, स्त्री समंताक्ष में, लेकिन यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट सेल में, यानी कि ये संरचना में भी गलती हो गया है, थोड़ा सा जो बनाया है उससे, क्योंकि वो बनाया जो है वो केमिस्ट्री थोड़ी जानता है, वो तो बनाने वाला एमिनेशन का डायरेक्टर होता है, उससे गलती हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये संरचना, ये जो स्ट्रक्चर है ये जाएगा यहाँ पे और ये स्ट्रक्चर जाएगा यहाँ पे, पहला। दूसरा जो है अल्फा बीटा और गामा और बराबर 90 डिग्री, ये घन में है, घन में पढ़े थे हम लोग, घन यानी क्यूबिक में पढ़े थे, तो क्यूबिक और ये दोनों एक ही जैसा संरचना हो जाएगा तो हम इसको 7 तंत्र में क्यों बांटेंगे, 6 ही तंत्र में ना बांटते, 6 ही सिस्टम में ना बांटते। तो यहाँ पे भी गलती हुआ है, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा और सब बराबर ही होता तो हम अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री लिखते। तो यहाँ पे याद रखना है कि अल्फा बीटा, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा और बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। तो आप लोग 6 अभी तक पढ़े, कौन कौन, क्यूबिक घनीय, क्यूबिक घनीय ए बी सी बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर, सम द्विलंबाक्ष टेट्रागोनल ए बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, विषम लंबाक्ष में ए बी और सी बराबर नहीं होगा लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का। इसके बाद त्रिसमंताक्ष, त्रिसमंताक्ष में हमने क्या बोला है, त्रिसमंताक्ष में ए बी सी बराबर होगा लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं होगा और ये 90 डिग्री बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। षष्ठकोणीय में ए और बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा, सी देखें लंबा है, ए और बी देखिए बराबर है, सी लंबा है, अल्फा बीटा 90 डिग्री का होगा और गामा क्या होगा, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। एकांताक्ष यानी मोनोक्लिनिक क्या होगा कि ए बी सी बराबर नहीं होगा लेकिन अल्फा और गामा बराबर होगा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। आप लोग तो समझ रहे होंगे आप इसको, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। एक है त्रिताक्ष, लास्ट बच्चा है 7, कौन बच्चा बाबू, त्रिताक्ष, क्या बच्चा, ट्राइक्लिनिक त्रिताक्ष, ध्यान रहे ये ट्राइक्लिनिक जो है ये त्रिताक्ष है, ए बी सी भी बराबर नहीं है और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और ये भी बराबर नहीं है, तो ऐसा दिमाग में बैठा है कि अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं है और साथ में ये कोई 90 डिग्री भी नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, ट्राइक्लिनिक यानी त्रिताक्ष, त्रिताक्ष यानी कि त्रिताक्ष बोले तो ट्राइक्लिनिक ये सबसे ख़राब है, ए बी और सी भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है और ये 90 डिग्री का नहीं है। तो हमने अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी के आधार पे जालक को कितने, क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा बाबू, कितने भागों में बांटा, हाँ कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा। अब इसको 7 भागों में बांटा है तो इसका देखिए, इसको इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आपको बोला है 7 भागों में बांटेंगे तो इसके लिए याद कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, कान्हे
कान है के टोपी के ऊपर मोर रखा था जो देखो काना क्यूबिक काना टेट्रागोनल टोपी के ऊपर ऑर्थोरोम्बिक मोर मोनोक्लिनिक रखा था रोम्बोहेड्रल जो तीन ट्राइक्लिनिक छह थे हेक्सागोनल। थोड़ा सा हम इस क्रम को आपके क्लास में लिखे थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस क्रम में हमने आपको लिखा था, इस क्रम में, यानी कान्हा क्यूबिक के टोटी के टोपी टेट्रागोनल के ऊपर ऑर्थोरोम्बिक मोर मोनोक्लिनिक रखा था रोम्बोहेड्रल जो तीन ट्राइक्लिनिक छः थे हेक्सागोनल। कान्हा क्यूबिक टोपी टेट्रागोनल के ऊपर ऑर्थोरोम्बिक मोर मोनोक्लिनिक रखा था रोम्बोहेड्रल जो तीन ट्राइक्लिनिक छः थे हेक्सागोनल। अब इसमें हमने बताया था बाबू आपको कि आपको ये बताया था कि ऑर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब, ऑर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब, तीनों खराब, ट्राई सबसे खराब, क्या बोला था बाबू, ऑर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब और ट्राई सबसे खराब, तो क्या है ऐसे ऑर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब, इसका मतलब कि देखिए ऑर्थोरोम्बिक का एबीसी बराबर नहीं है, मोनोक्लिनिक का भी देखिए एबीसी बराबर नहीं है और ट्राई क्लिनिक का भी एबीसी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राई सबसे खराब, देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं है और ये कोई 90 डिग्री भी नहीं है, यानी कि बोलेगा सबसे अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, असममित सिस्टम कौन सा है, असममित कौन है, तो बाबू ट्राई क्लिनिक ऑप्शन देंगे, ट्राई क्लिनिक। क्यों ट्राई क्लिनिक देंगे, क्योंकि इसमें ए बी सी भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, ऑर्थो और मोनो का भी ए बी सी बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, ध्यान रहे। हेक्सागोनल का याद रखेंगे, हेक्सागोनल में दो बराबर होगा और टेट्रागोनल में भी दो बराबर होगा, छः माइनस चार बराबर दो सही, छः हेक्सा के लिए और चार टेट्रा के लिए, दो दो माइनस करेंगे तो दो आएगा, छः में से चार माइनस करेंगे तो दो आएगा, यानी छः किसके लिए, हेक्सा के लिए और चार किसके लिए, टेट्रा के लिए, इसमें दो सही है, इसका यानी कि दोनों का ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर। देखिए क्यूबिक का भी ए बी सी बराबर है और इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक का भी ए बी सी बराबर है, आप समझ गए होंगे, ऑर्थोमोनोट्राई तीनों खराब, छः माइनस चार बराबर दो सही, यानी छः हेक्सागोनल के लिए और चार टेट्रागोनल के लिए, ये दोनों का दो दो को सही है, बाकी सब का सही है, दो को सारा हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि बाबू आप बस दो याद रखेंगे, केवल इसमें दो याद रखेंगे कि ये क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों का अल्फा बीटा गामा बराबर होगा और 90 डिग्री बराबर होगा, किसका किसका, क्यूबिक का घनीय का सम द्विभाजक टेट्रागोनल का और ऑर्थोरोम विषम लंबाक्ष का, ये तीनों का अल्फा बीटा गामा बराबर होगा और ये 90 डिग्री होंगे। रोम्बोहेड्रल का, रोम्बोहेड्रल में दिमाग बैठा है कि घन जैसा ही होगा, देखिए घन जैसा ही है लेकिन रोम्बोहेड्रल घन जैसा ही है लेकिन ये खाली 90 डिग्री नहीं होगा, याद रखेंगे कि रोम्बोहेड्रल का घनीय जैसा यानी क्यूबिक जैसा ही होगा, बस यहाँ पे 90 डिग्री बराबर हो जाता है और यहाँ पे 90 डिग्री बराबर नहीं होता है। आप मोनोक्लिनिक का केवल याद रखेंगे और हेक्सागोनल का याद रखेंगे, बस मोनोक्लिनिक में याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा 90 डिग्री का, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, और
और हेक्सागोनल का याद रखेंगे अल्फा बीटा 90 डिग्री का और गामा 120 डिग्री का, सॉरी गामा 120 डिग्री का। ट्राई क्लिनिक तो आपको याद ही नहीं रखना है क्योंकि ये सबसे ख़राब है, इसका ना तो ए बी के बराबर है, ना तो बी सी के बराबर है, और ना अल्फा बीटा के बराबर है, ना बीटा गामा के बराबर है, और ना कोई 90 डिग्री है। अब इसके बाद कभी कभी एग्जाम्पल से भी सवाल आ जाता है, घनीय का एग्जाम्पल है, क्यूबिक का एग्जाम्पल है, NaCl, KCl, डायमंड और क्यूबिक स्कोपर, टेट्रागोनल का व्हाइटिंग SnO2, ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक सल्फर KNO3, रोम्बोहेड्रल का कैल्साइट NNO3, मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर जिप्सम GY, जिप्सम। हेक्सागोनल का ग्रेफाइट याद रखेंगे, ये ग्रेफाइट हेक्सागोनल का ये बार बार पूछा जाता है। डायमंड का याद रखेंगे कि घनीय होगा, ये बार बार पूछा जाता है। NaCl का याद रखेंगे कि घनीय होता है। ये टीन भी, वाइट टीन भी दिमाग में बैठाएंगे कि ये टेट्रागोनल होता है, बार बार ये पूछने वाला सवाल है। समझ में आया, मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक सल्फर का होगा, ग्रेफाइट याद रखेंगे, और यहाँ पे K2Cr2 याद रखेंगे कि ये ट्राई क्लिनिक है। बाबू हम तो समझते हैं, आप लोग समझे होंगे, नहीं आप लोग इसे बार 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 दोहराए, जितना बार दोहराएंगे उतनी बार सीखेंगे, नहीं दोहराएंगे भूल जाएंगे। बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, थोड़ा सा इसको याद करने की ज़रूरत है। फिर भी हमने आपको 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 याद कराने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक दिला कि जिससे कि दिया जिससे कि आपको याद हो जाए। कान्हे के टोपी के ऊपर मोर रखा था, जो तीन रंग के छेद थे, कान्हा क्यूबिक टोपी टेट्रागोनल, ऊपर ऑर्थोरोम्बिक रखा था, रोम्बोहेड्रल जो तीन रंग के, ट्राइक्लिनिक छेद थे हेक्सागोनल। अब इसके बाद ऑर्थो मोनोट्राई तीनों खराब, ऑर्थो मोनोट्राई, ऑर्थो का ABC बराबर नहीं है, मोनो का ABC बराबर नहीं है, ट्राइक्लिनिक का ABC बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्राई सबसे ख़राब, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमने क्या किया बाबू कि आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम चलने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार बार दोहराएं, बार बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, और हमारे इडू सर थिंक फॉरवर्ड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रिवीजन हो जाए। थैंक यू।